मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से कक्षा 12 यूपी बोर्ड का फिजिक्स पढ़ेंगे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या है, हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ लिए होंगे और आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। आज हम इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आइए हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम तीन विधियों से ज्ञात करते हैं, तीन रूल से ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो विधि है वह क्षैतिज विधि होती है, दूसरा जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है, और तीसरा जो होती है, तीन दोनों को मिलाकर के एक नई विधि बनाई जाती है जिसे हम अनुदैर्ध्य विधि कहा जाता है। मतलब क्या, तीन विधि हुआ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिसको अक्षीय विधि कहा जाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे कि यह जो है माना प्लस क्यू आवेश है और यहां से कुछ ही दूरी पर कोई माइनस क्यू आवेश है। मान लिया कि इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है। यहां से जो दोनों के बीच की दूरी है वो मैंने बताया था कि 2L है। ये 2L है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर यदि कोई मध्य बिंदु लेते हैं तो कंफर्म होगा कि ये दूरी कितना होगी, L, और ये भी कितना होगी, L होगी। ये L है, ये L है, पूरा क्या है, 2L है। ये इस बिंदु का नाम क्या है, A है, और इस बिंदु का नाम क्या है, B है। ये प्लस Q है और ये क्या है, माइनस Q है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मीडियम पॉइंट से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यह दूरी कितना है, L है, और यह दूरी L है। सबसे पहले हम धन Q जो आवेश है यहां से दूरी की गणना, ये इस ए बिंदु से पी बिंदु की दूरी कितनी होगी, सोचो ये कितना है, आर, इसमें क्या प्लस होगा, एल, तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस एल। अरे ये पूरा, ये कितना है, आर है, और ये क्या है, एल, ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस में एल। क्लियर। अच्छा, इस आवेश से ज्ञात करेंगे, यदि यहां से ज्ञात करते हैं तो देखो यहां से ज्ञात करेंगे तो ये पूरा कितना है, R, और ये कितना है, L। तो R में से L को घटाएंगे तो मालूम चल जाएगा कि इनके बीच की दूरी कितना है। फिर समझ लेते हैं, ये है L और ये पूरा है R, तो ये हो गया L प्लस R। ये है L, ये पूरा है R, तो ये हो जाएगा R माइनस में L। अब हमें बिंदु P पर दोनों आवेशों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करना है। आइए देखते हैं, यहां से देखते हैं। पहले लिखेंगे बिंदु A पर धन आवेश के लिए तीव्रता EA। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 1/4π की तीव्रता EA बराबर 1/4π εo(K)(Q/R² लेकिन
ध्यान देना है, धन आवेश के लिए लिए हैं, तो जब धन आवेश के लिए लिए हैं तो दूरी कितना है, आर प्लस एल। तब यहाँ आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर प्लस में एल का होल स्क्वायर, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने क्या ले लिया, प्लस आवेश के लिए लिया है, अब क्या लेंगे, माइनस आवेश के लिए। तो लिखेंगे यहां पर तुरंत कि बिंदु बिंदु बी के लिए माइनस क्यू आवेश आवेश की तीव्रता तीव्रता ई बी बोला तो तीव्रता, बी बोला तो बिंदु बी, आवेश क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा एक बटा 4 pi epsilon 0 के इंटू में माइनस क्यू अपान में दूरी कितना है आर माइनस में एल, तो ये होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड। अब इस बिंदु पर धन आवेश के लिए और ऋण आवेश के लिए तीव्रता निकाल लिया, अब यहां पर जो औसत मतलब कि तीव्रता क्या होगी इसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे कि P पर कुल तीव्रता E बराबर ये हो जाएगा E A प्लस में E B, मतलब कि ऋण आवेश के लिए और धन आवेश के लिए तीव्रता E बराबर E प्लस E B। B पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है ना, और ई पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। ध्यान देना, इस पर ऋण आवेश है, इस पर धन आवेश, इस बिंदु पर ऋण आवेश है, इस बिंदु पर धन आवेश। तो देखिए पहले इसको क्या करेंगे, ऋण आवेश वाले को ऋण के रूप में लिखेंगे, धन आवेश वाले को धन पे लिखेंगे। ध्यान देना, अगर इस बिंदु का आप चेंज भी कर सकते हो, बी को यहाँ कर दो, ए को यहाँ कर दो, या इस ऋण आवेश को पहले कर सकते हैं और धन आवेश को बाद में भी कर देंगे, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ई बराबर ई बी माइनस में ई ए। अब ई इक्वल टू ई बी का वैल्यू क्या है, 1/4 pi epsilon 0 e के माइनस के अपान में r माइनस l का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon 0 के q अपान में r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस ये a क्या है, ये 1/4 pi epsilon 0 के q अपान में R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है, Q अपान 1/4 pi epsilon 0, इसमें क्या कॉमन है, Q अपान 1/4 pi epsilon 0 कॉमन कर ले। तो जब इसको कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q अपान 4 pi epsilon 0 के, ठीक। तो यहां कितना बचा, 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, अब देखिए इसको आगे हल चलते हैं, यहां से हल करते हैं। E इक्वल टू थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो है एलसीएम लेंगे तो ये यहां आ जाएगा और ये जो है यहां चला जाएगा, ठीक। और नीचे ये दोनों में क्या हो जाएगा, गुणा होगा, मतलब क्या ये हो जाएगा क्यू अपान 4 pi epsilon 0 के कोष्टक में, ये यहां आएगा मतलब क्या R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये क्या होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर बटा इसका गुणा इसमें होगा दी जाती है, तो ये होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का। ध्यान दो बच्चों, हमने फार्मूला पढ़ा है गणित में कि a प्लस बी आ a माइनस बी, एगो कोष्टक में a प्लस बी आ दूसरा कोष्ट में a माइनस बी, ये होता है
ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, सेम कंडीशन, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों को पावर बराबर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसी तरह यहाँ माइनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, ई इक्वल टू ये क्यू अपान में फोर पाई साइन एन जी, इसको छोड़ दें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर इंटू एल। छोटा क्वेश्चन कर लो, माइनस इसको तोड़ो तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर इंटू में एल। नीचे वाला क्वेश्चन ए माइनस बी आ ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माने कि आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर, और दोनों का पावर कितना है दो। अब क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे तो जो प्लस है वो क्या होगा माइनस, और जो माइनस है वो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हमें हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाए थोड़ा क्लियर, नीट एंड क्लियर, ध्यान। तो इसको हम लेते हैं यहां पे ई इक्वल टू, ई इक्वल टू ये तो ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना है यहां पर के छोटा हुआ है, के यहां जरूर रहेगा, तो ये हो जाएगा क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के। क्वेश्चन खुलता है, जब क्वेश्चन खुलेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर इंटू एल माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, लेकिन ये क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर इंटू एल बटा में, ठीक है। अब देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस है, कट गया, ये भी प्लस है और ये क्या है माइनस है, कट गया, टू आर एल और टू आर एल कितना हो जाएगा चार आर एल। अब एक मिनट थोड़ा यहां समझते हैं, देखिए फिगर से मालूम चलता है कि जो R है ना वो L से बहुत बड़ा है, ये जो R है वो L से बहुत बड़ा है, का मतलब क्या हुआ कि R is greater than L, ध्यान देना जब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो और छोटी होती है, जैसे मान लो कि दशमलव एक है और इसका वर्ग करेंगे तो जीरो दशमलव जीरो एक हो जाएगा, मैंने उसे भी छोटा हो गया, तो इसलिए जब छोटी संख्या का वर्ग कर दी तो इसको हटा देंगे, तो हटा देंगे तो r के पावर दो दुनी कितना हो जाएगा चार, यानी ये हो जाएगा यहाँ से e इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो k, क्या हो जाएगा ये चार r इंटू में l बटा में r के पावर कितना होगा चार, क्यों, क्योंकि इसका छोटी संख्या है वर्ग तो घट गई, एक आर से एक आर क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना e इक्वल टू क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, क्या बचेगा फोर एल बटा में क्या आर क्यू, इस क्यू को यहां लाएंगे देखो क्या हो जाएगा e इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू में ये चार है तो इसको लिख सकते हैं कि दो गुणे 2L गुणे में क्या हो जाएगा Q बटा में R, नहीं सुने आई Q को यहाँ कर दिए दुदुनी की चार 12 हो गया, क्योंकि इसका मान होता है P, हम बताए थे आपको कि P इक्वल टू होता है 2L इंटू में Q, तो हम चाहते हैं कि इसके जगह पर ना इस मानव को पुट कर दें, तो जब यहाँ रखेंगे जानते हैं कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका कि E इक्वल टू क्या वन अपान में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो गुणे टू पी बटा में क्या हो जाएगा आर क्यू, इसे ही कहते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र, ठीक। इस वीडियो में आपको मैंने इतना बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र कितना होता है, ठीक, धन्यवाद, नेक्स्ट।